आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, अधीन सेवा चयन आयोग में आज एक नई भर्ती का ऐलान हुआ है। नई भर्ती इकाई है और जो जिसका आवेदन आज 28 दिसंबर 2018 से भरा जाएगा। नए वर्ष की शुरुआत होने से पहले के 3 दिन पहले एक नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ। आइए जानते हैं वह वैकेंसी है क्या। देखिए साथियों, अधीन सेवा चयन आयोग में राज्य किसी उत्पादन मंडी परिषद संयुक्त संवर्ग प्रतियोगात्मक परीक्षा जो है इसके लिए नया विज्ञापन निकाला गया है और 28 दिसंबर 2012 से आवेदन स्टार्ट होगा और 12 जनवरी को जो है अंतिम तारीख है। आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि जो है 19 जनवरी है और ये वैकेंसी जो है जैसा कि इसमें दिया गया है आप देखिए, इसमें रिट का भी कुछ हवाला दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। और आपको वैकेंसी के बारे में आपको बता दें, 225 रुपये लगेगा जैसा कि सभी को पता है, दिनस्थ का तो रेट ही वही है। और 2 वैकेंसी का विज्ञापन निकाला गया है। पहली वैकेंसी जो है निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद एवं समितियाँ उत्तर प्रदेश की हैं। रोलर चालक की वैकेंसी है जो कि 21 से 40 साल उम्र वाले भर सकते हैं। ये टोटल जो है 1 वैकेंसी है और जो है निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद एवं समितियां उत्तर प्रदेश में जो ये है नक्शान 20 और जो है मानचित्र की है और ये 15 वैकेंसी है। टोटल जो है 18 वैकेंसी का विज्ञापन अधीनस्थ ने निकाला है नए साल की शुरुआत होने से पहले। बड़ी मेहनत का काम किया है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने और जो है क्वालिफिकेशन इसमें जो दिया है 8वीं कक्षा पास मांगा है रोलर चालक के लिए और 3 वर्ष का कोई अनुभव जो है अवधि जो है मांगा है कुछ। और जो है नक्शा 20 मानचित्र की जो वैकेंसी है उसमें हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन मांगा है और जो है नक्शा से संबंधित कोई प्रमाण पत्र मांगा है इसमें, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो विज्ञापन है इसका जो है 12 जनवरी लास्ट डेट है, इसको आप लोग देख करके भर सकते हैं। लेकिन अधीन सेवा चयन आयोग ने बहुत मेहनत का काम किया है, वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी निकाला है। एक तरह से 18 वैकेंसी जो है 16 वैकेंसी कोई मामूली वैकेंसी नहीं है। तो साथियों जो लोग योग्यता रखते हैं वो इस फार्म को भर सकते हैं, आवेदन कर दें और 12 जनवरी लास्ट डेट है। तो साथियों चैनल पे बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।